वाले हैं 500 में पूरे आउटफिट का, इसका आउटफिट बनेगा 500 में। आर यू एक्साइटेड? 500 में तुम्हें क्या लगता है मिल जाएगा कोई आउटफिट कि नहीं? देखते हैं। चलो आ जाओ कम। और आज ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, क्योंकि आज मैं मंडे मार्केट को एक्सप्लोर करने वाली थी, क्योंकि बहुत समय पहले जब मैंने मंडे मार्केट एक्सप्लोर की थी तब तो बहुत ही चीप प्राइस में मुझे सामान मिला था, बट आज देखते हैं क्या ही मुझे मिलता है। तो मुझे ना यहाँ पे ये इयररिंग्स के स्टॉल दिखे, वैसे तो बहुत सारे लेडीज़ ने यहाँ पे लगा रखा था, बट मुझे इयररिंग्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्योंकि 100 रुपीज़ के 4 मिल रहे थे, 4 पीसेस मिल रहे थे, मतलब आपको 4 पेयर मिलेंगे 100 रुपीज़ के। इसके बाद हम मार्केट के अंदर एंटर कर गए। अंदर चलती मुझे ना कि एक स्टॉल दिखा भैया ने लगा रखा था, जिनके पास में ना 30 रुपीज़ और 50 रुपीज़ में इयररिंग्स थे। भैया ये भी 50 के ना? 50 रुपीज़ सिर्फ वाली इयररिंग्स तो काफ़ी अच्छे थे, बोहो काइंड ऑफ इयररिंग्स थे, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और ये 30 रुपीज़ में भी बहुत ही अच्छे थे, इनमें भी कुछ 50 रुपीज़ वाले भी थे। फिर मुझे आगे ना ये आंटी दिखी जो कि 100 रुपीज़ के 2 स्कार्फ बेच रही थी, और स्कार्फ भी काफ़ी अच्छे थे, और इनके पास भी मुझे काफ़ी अच्छा कलेक्शन दिखा। इसके बाद ना मैंने सब्जी मंडी लेन में एंट्री कर लिया, मैंने सोचा पहले यहीं पर देखती हूँ यहाँ पर मुझे क्या सस्ता कलेक्शन दिखता है। आगे मुझे ना ये एक अंकल दिखे जो कि सॉक्स बेच रहे थे, इनके पास इन्होंने नीचे बिछा रखे थे, और ये मंडे के अलावा भी लगाते हैं यहाँ पे, तो ये 100 रुपीज़ के 5 पेयर ऑफ सॉक्स थे। और इन सॉक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, बस आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, कुछ अच्छे सॉक्स निकालने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ से अच्छे अच्छे से बहुत सारे सॉक्स खरीदे, और इन जो ये सॉक्स बेच रहे थे भैया, इनके पास में ना स्टॉकिंग भी थी, ये स्टॉकिंग की प्राइस जो इन्होंने 200 रुपीज़ बताए थे, बट 150 रुपीज़ में एक ब्लैक कलर की स्टॉकिंग मुझे दे दी थी, जो कि मेरी फर्स्ट परचेज थी, मेरी जो मैंने 500 चैलेंज बताया था उसके लिए, तो हमने ये स्टॉकिंग भी यहाँ से ले ली। और इनके पास में ना ये मफलर भी थे, मतलब ये स्कार्फ जो वुलन वाले होते हैं मेन से, वो भी थे, तो वो एक स्कार्फ भी यहाँ से हमने परचेज किया। हॉल वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, जो भी हमने शॉपिंग की यहाँ से, इस वीडियो में आपको पूरा कलेक्शन।
शॉप नंबर 40 शॉप नंबर 5 पे, और ये जो ना ये शॉप जो है ना ये गेट नंबर 5 के पास में है। इस शॉप पे ना विंटर वेयर का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, सारा ही फ्रेश एंड न्यू कलेक्शन था, और यहाँ पे भी प्राइस रेंज लिखे। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. जैसा कि मैंने पहले 2 साल पहले जब मंडे मार्केट का वीडियो बनाया था तब थी, अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका, अभी इतना ज़्यादा कुछ सस्ता नहीं दिखा मुझे कि बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें दिख रही हूँ। तो अगर आप मंडे मार्केट आना चाहते हो तो डेफिनेटली आ सकते हैं, बट अगर आप किसी अदर डे भी आएंगे तभी आपको यही कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो आई होप सो आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो गाइस जो भी मैंने सरोजिनी नगर मार्केट से शॉपिंग की है उसका एक हॉल वीडियो आएगा जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, उसे ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को तुरंत से ऑन कर लीजिएगा। आई होप सो आप लोगों को आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा और प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर छोड़िएगा। फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।